अभी वो बाइक आने वाला नहीं है, वो बाइक ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो गया है कल, और उस बाइक का नाम है होंडा CBR 650R। लेकिन इस बाइक का नाम दिया है होंडा वालों ने स्पोर्ट्स टूरर, क्योंकि आप इस बाइक को एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह भी यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप इस बाइक को एक टूरिंग बाइक की तरह भी यूज कर सकते हैं। लुक्स के मामले में अगर देखेंगे तो सामने की तरफ डुअल LED हेडलाइट्स मिलते हैं, पीछे की तरफ मिलते हैं LED टेल लाइट, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ इंफॉर्मेशन जो आप जो भी चाहिए होगा वो सब कुछ मिल जाएगा। इस बाइक के हैंडल बार ट्रिपॉन हैंडल बार्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारे स्विच भी दिए गए हैं दोनों ही तरफ, क्योंकि इस बाइक में बहुत सारे मोड्स भी अवेलेबल है, और उन मोड्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। इस बाइक का जो सीट है वो एक डुअल सीट है, यानी कि स्प्लिट टाइप का सीट है, और ये सीट बहुत ज़्यादा कुशनिंग के साथ नहीं आता है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है जब भी आप बाहर जाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करेंगे इस बाइक में तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप इसको बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं और कुछ कुशनिंग भी ऐड भी कर सकते हैं इसमें। अगर सस्पेंशन की बात करें तो सामने की तरफ मिलता है 41mm का अपसाइड डाउन फोर्स, और पीछे मिलता है और ब्रेकिंग इसमें ABS तो मिलता ही है, और ये ABS डुअल चैनल ABS भी है, और ये स्विचेबल भी है। सामने जो ब्रेक मिलते हैं वो है डुअल 310mm का डिस्क, और पीछे मिलता है 240mm का डिस्क। इस बाइक का एग्जॉस्ट एक अंडरबेली एग्जॉस्ट है, यानी कि ये नीचे की तरफ है ये एग्जॉस्ट। लुक्स के मामले में इस बाइक के बारे में और ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इस फोटोज़ में और वीडियोज़ में ये बाइक देखने में कैसा है। अब आते हैं इस बाइक के जो मेन स्पेसिफिकेशन है, यानी कि इस बाइक के इंजन के बारे में। इस बाइक में एक 648.7 cc का इंजन मिलता है, जो 87 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है एट 11,500 rpm, और उसके साथ साथ 60 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट 8,000 rpm। लेकिन ये बाइक बहुत ही दिनों से बाहर में भी मिलता है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज में ये बाइक तो पहले से ही मिलता है, लेकिन उस बाइक का पावर फिगर में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि वो बाइक जो मिलता है फॉरेन कंट्री में, उस बाइक का जो पावर फिगर है वो है 90 bhp एट 12,000 rpm, और टॉर्क है 64 Nm का टॉर्क है एट 8,000 rpm। लेकिन इस बाइक के इंजन में थोड़ा बहुत रिट्यून किया गया है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही हॉट कंट्री है और बहुत सारा प्रॉब्लम भी आता है। पहला रीज़न है कि इंडिया के लोगों को ज़्यादा माइलेज चाहिए होता है, इसलिए इसका पावर फिगर को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया एक बहुत ही हॉट कंट्री है, और यहाँ का वेदर बहुत ही हॉट ही रहता है लगभग पूरे साल, इसलिए इस बाइक का जो हीटिंग इशू है उसको कम करने के लिए इसका जो पावर फिगर है उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखा गया है, थोड़ा सा कम किया गया है। और ये इंजन एक लिक्विड कूल्ड 4-सिलेंडर इंजन है, और इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलते हैं, स्लीपर क्लच भी मिलते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं यहाँ पे, फ्यूल इंजेक्शन भी मिलते हैं यहाँ पे, और कुछ कुछ मोड्स दिए गए हैं इस बाइक में, जैसे कि स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड, और कुछ कुछ मोड है जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। उसका नाम दिया है होंडा वालों ने सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल, और इसमें होता यह है कि आप अपने बाइक का जो टॉर्क है उसको आपके हिसाब से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस बाइक का जो इंडियन वर्जन है उसका जो माइलेज क्लेम किया जा रहा है वो है 27.2 km/l, लेकिन ये रियल कंडीशन में कितना माइलेज देगी ये तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। और इस बाइक का जो फॉरेन वेरिएंट है वहाँ पे मिलता है 194 km/h की टॉप स्पीड, लेकिन इंडियन वर्जन में थोड़ा सा कम ही होगा क्योंकि इसका पावर फिगर कम किया गया है। इसलिए CBR 650R का जो इंडियन प्राइस है वो है 7,70,000 rupees, जो इस सेगमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे इस सेगमेंट का बहुत सारे बाइक अवेलेबल है इंडिया में, जो कुछ आते हैं सुजुकी की तरफ से, कुछ आते हैं कावासाकी की तरफ से, लेकिन उन सभी बाइकों का फीचर भी कुछ हद तक ज़्यादा है, और उसके साथ साथ इन बाइकों का जो प्राइस है वो भी कम है। जैसे कि सुजुकी की तरफ से आने वाला जो V-Strom 650 है उसका प्राइस भी इससे कम है, और इसके साथ साथ और एक बाइक आती है जो है 750cc बाइक, जो है सुजुकी GSXR 750, जिसका भी प्राइस
होंडा CBR650 से कम है। और इसके साथ साथ अगर आप कावासाकी को देखेंगे तो कावासाकी में जो बाइक आते हैं Z650, Varsis 650 और उसके साथ साथ Ninja 650 भी आते हैं, वो सब बाइक 5,30,000 रुपीज से लेके 6,70,000 रुपीज के अंदर ही आते हैं, जो मैं एक शोरूम प्राइस की बात बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी होंडा एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड है बाइक के बारे में, और इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा बहुत जस्टिफाई भी करता है, और इसलिए इस बाइक का प्राइस ठीक ठाक ही है अगर हम कंपेयर करें किसी भी प्रीमियम सेगमेंट बाइक के हिसाब से। और आप जानते ही होंगे होंडा का जो इंजन होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत स्मूथ होता है। और इस बाइक में और एक बहुत ही अच्छी बात है जो है कि ये बाइक एक डुअल पर्पस बाइक हो सकता है। ये बाइक मेनली आप सिटी में राइड ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि इस बाइक का जो वजन होने वाला है वो भी ज़्यादा होगा, और उसके साथ साथ इसका पावर फिगर सिटी राइड के लिए बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन आप इसे एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक ही है, और उसके साथ साथ आप इसमें टूर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे इंडिया में जितने भी सारे CBR बाइक्स मिलते हैं जो 150 सेगमेंट में भी है और उसके साथ साथ 250 सेगमेंट में भी है, वो सभी बाइक स्पोर्ट्स बाइक तो है, स्पोर्ट्स बाइक की तरह है, उसका पावर फिगर है, लेकिन वो सब बाइक बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं और उन बाइकों में टूर भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग टूर करते भी हैं, और इसलिए ये भी एक बहुत ही ज़्यादा टूरिंग बाइक का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, और उसके साथ साथ नीचे कमेंट करके बोलिए ये बाइक आप लोगों को कैसा लगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज आते हैं बाइक के बारे में। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। We'll be right back.